हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। टुडे वी विल डिस्कस द यूपेक नेम ऑफ एल्कोहल ग्रुप। आज हम लोग एल्कोहल ग्रुप से संबंधित कुछ यूपेक नेम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट में हमारा कौन सा ग्रुप रहेगा? एल्कोहल ग्रुप। ओके, एल्कोहल ग्रुप। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप देखा था। ओके, तो आज हम एल्कोहल ग्रुप से संबंधित यूपीएससी नेम, यूपेक नेम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला नंबर याद रखना है क्या चीज? जनरल फार्मूला। ओके, जनरल फार्मूला इसका क्या जाएगा? सी एन एच टू एन प्लस वन और क्या हो जाएगा? ओ एच, मतलब एल्कोहल ग्रुप का है तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसकी सफिक्स की बात करते हैं, व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। क्या चीज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यय। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था ऑल क्या होता है इसका सफिक्स। ऑल हिंदी में लिखते हैं कैसे? ऐसे, ऑल। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देखेंगे कि इसका आयुपेशी नेम। ओके, यूपेक नेम। यूपेक नेम इसका कैसे बनाते हैं? तो क्या करते हैं, सबसे पहले एल्केन जो ग्रुप होता है तो उसको लिख देते हैं एल्केन अप्लस। क्या है जिसका सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। एल्कोहल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। तो ऑल, तो ये आपके पूरी क्या बन जाएगी? एल्केनॉल। व्हाट इज एल्केनॉल? एल्केनॉल ये क्या हो जाएगा आपका? ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, मतलब यूपेक नेम। एल्केन में जब हम ऑल सफिक्स ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। ओके, और इसका सीएन देखते हैं। सीएन का मतलब क्या होता है? कॉमन नेम, साधारण नाम। आईयूपीएससी नेम आईएन और सीएन का मतलब कॉमन नेम, साधारण नाम। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल एल्कोहल। व्हाट इज एल्काइल एल्कोहल? ओके, हिंदी में इसको देख लेते हैं, ए एल सी ओ एच ओ एल एल्कोहल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? एल्किल एल्कोहल। व्हाट इज एल्किल? ओके, पिछले क्लास में मैं बताया था कि एल्काइल इंग्लिश में बोलते हैं और एल्किल हिंदी में बोलते हैं। तो एल्किल एल्कोहल इसका क्या हो जाएगा? साधारण नाम। वंस अगेन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल इज CnH2n प्लस 1 और OH। OH क्यों लगाएं? क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं। ओके, सेकंड नंबर सफिक्स, प्रत्यय क्या लगता है? ऑल, हिंदी में ऑल लिखते हैं। और इसका आयुपेशन नेम क्या हो जाएगा? एल्केन प्लस ऑल, दिस गिव्स एल्केनॉल। व्हाट इज एल्केनॉल? एंड कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल एल्कोहल, हिंदी में बोलते हैं एल्किल एल्कोहल। अब इससे हम एग्जांपल के थ्रू सब समझ लेते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा क्या रहेगा? CH3OH। ओके, ये हमारा क्या है? कंपाउंड है। इस कंपाउंड का क्या करना है? आयुपेशी नेम और कॉमन नेम लिखना है, मतलब यूपेक नेम और साधारण नाम। तो आयुपेशी नेम क्या हो जाएगा? मैंने बताया था एल्केन प्लस ऑल, तो इसमें कितने कार्बन एटम? एक। एक के क्या बोलते हैं? एक के लिए मेथेन होता है, तो मेथेन में क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। व्हाट इज मेथेन में ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। ओके, मेथेनॉल। मेथेनॉल ये क्या हो गया आपका? यूपेक नेम। वंस अगेन, कार्बन टर्म्स कितने हैं? एक है, तो एक के लिए मेथ, दो के लिए एट, तीन के लिए प्रोप। ओके, तो मेथ है। और देख रहे हैं कि क्या चीज सफिक्स लगा हुआ है? OH, मतलब एल्कोहल का है जिसका सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। तो मेथेन प्लस ऑल कैसे करेंगे? ऐसे, मेथेन मैंने अभी बताया था इसका फॉर्मूला कि एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। ओके, तो मेथेन क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल। ये क्या हो जाएगा आपका? यूपेक नेम, आईयूपीएसी नेम। ओके, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? मैंने बताया था कि एल्किल एल्कोहल हिंदी में, एल्काइल एल्कोहल इंग्लिश में। तो एल्काइल CH3 क्या हो जाएगा? मिथाइल। व्हाट इज मिथाइल? ओके, एंड OH इज स्टैंड फॉर एल्कोहल। एल्कोहल हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या हो जाएगा हिंदी में? मेथिल एल्कोहल। ओके, मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट नंबर इज CH3CH2OH। ओके, तो इसका हम यूपेक नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका यूपेक नाम हम कैसे लिखेंगे। कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, 2, 2 और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन ग्रुप का है। कैसे पहचानेंगे कौन सा ग्रुप का है? तो सिंगल बॉन्ड
एल्केन डबल बॉन्ड एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ओके, तो दो कार्बन एटम्स हैं, तो दो के लिए क्या होता है, मेथ एथ, एथ और सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन, और क्या है, ओ एच सफिक्स है, तो एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल, क्या हो जाएगा इसका यौगिक नाम, एथेनॉल, व्हाट इज एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। नाउ कॉमन नेम, कॉमन नेम मैंने बताया था एल्काइल एल्कोहल और एल्किल एल्कोहल। ओके, तो एल्काइल C2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इतना को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, C2H5T, ये कौन सा हमारा ग्रुप हो गया, CNH2N+1 एल्काइल ग्रुप का, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल, व्हाट इज इथाइल। ओके, इथाइल, और ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, तो इथाइल एल्कोहल, ये हमारा साधारण नाम हो गया। हिंदी में कैसे लिखेंगे, एथिल एथाइल नहीं लिखते हैं, एथिल एल्कोहल। ओके, नाउ लेट्स सी द यूपिक नेम ऑफ पोजीशन ऑफ एल्कोहल ग्रुप। अब एल्कोहल ग्रुप से संबंधित पोजीशन से रिलेटेड हम कुछ आईयूपीएसी नेम देखते हैं। नाउ अब पोजीशन से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं, तो पोजीशन, सपोज हमारा ये क्या है, एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH, और यहाँ पे हमने क्या किया, एल्कोहल ग्रुप को ऐड कर दिया। तो सबसे पहले देखेंगे, ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको नेमिंग करेंगे, किधर से नेमिंग करेंगे, लेफ्ट या राइट। तो हमने बताया था आपको कि जिधर से ग्रुप हमें जल्दी मिलता है उधर से हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अगर हम राइट से करते हैं, इधर से करते हैं मतलब राइट से करते हैं, ओके, तो राइट से करते हैं तो 1 2 2 पे हमें ग्रुप मिल जाएंगे, 3 4, और लेफ्ट से करते हैं, हम लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3, 3 पोजीशन पे, राइट से हमको कितना, 2 पोजीशन पे, और लेफ्ट से 3 पोजीशन पे। तो हमने बताया था कि जिस पोजीशन से, जिस साइड से अगर ग्रुप जल्दी मिले तो उसी को हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो हमारा राइट साइड नेमिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इधर से हम नहीं करेंगे मतलब राइट साइड से करेंगे, तो 1 2। ओके, कॉमन नेम लिख देते हैं, सॉरी यूपेक नेम लिख देते हैं, यूपेक नेम क्या हो जाएगा, 1 2। तो सबसे पहले पोजीशन को लिखते हैं, 2 2 पे क्या मिला, 2 पे क्या मिला, एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, 2 ऑल, और लॉन्ग कार्बन चेन कितने का है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, 2 ऑल ब्यूटेन। ओके, और इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन एल्केन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नॉल। ओके, तो ब्यूटेन नॉल, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 ऑल ब्यूटेन, या हम इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटेनॉल, व्हाट इज 2 ब्यूटेनॉल। ओके, नेक्स्ट इज, ये कंपाउंड है आपका, ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, यौगिक नेम लिखते हैं, जिसका एक बात को याद रखना है, जिसका पोजीशन अगर होता है तो उसका साधारण नाम नहीं होता है, सिर्फ 1 में होता है, जिसका पोजीशन 1 होता है उसी को कॉमन नेम लिखा जाता है, और ये सबका कॉमन नेम नहीं होगा, तो क्या होगा, सिंपल IN होगा, मतलब यूपी का नाम होगा, IUPAC नेम होगा। तो इसको कैसे करेंगे, नेमिंग करते हैं, ओके, राइट से करते हैं, 1 2 2 पे हमें मिला, इधर से भी करते हैं लेफ्ट से, तो 1 2 2 पे, दोनों कंडीशन में हमें क्या, 2 पे मिल रहा है क्या चीज, ग्रुप। ओके, तो लिख सकते हैं 2 2, इधर से भी किए, इधर से भी किए, तो 2 पोजीशन पे मिला, 2 पे क्या मिला, एल्कोहल, इस 2 पे भी एल्कोहल ही मिला, इसलिए लिखे 2 2, और कितने एल्कोहल, 2। पिछले क्लास में मैंने बताया था, जब CH3 मिथाइल मिलता था, 2 मिलता था, तो 2 लिखते थे, डाई लिखते थे, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 2 डाई। ओके, और क्या हो जाएगा, क्या मिला हमको, ऑल, 2 2 डाई ऑल, और लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3, तो प्रोपेन, व्हाट इज प्रोपेन, मेथ एक प्रोप। ओके, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 2 डाई प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके, वंस अगेन, 2 2 डाई ऑल प्रोपेन, या इसको दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 डाई प्रोपेनॉल, हिंदी में भी यही हो जाएंगे, 2 2 डाई प्रोपेनॉल। इसे देख लेते हैं, इसको नेमिंग करते हैं, लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4, हमें एक 3 भी मिलेगा और एक 4, कब, जब लेफ्ट से करेंगे, तो अगर राइट से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, कहाँ कहाँ, राइट से हमें कहाँ मिला, 2 2 एंड 3। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे पहले कौन सा पोजीशन पे मिल रहा है, 2 और 3 पे, तो हम इसी को वैल्यू देंगे, तो चलिए इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5,
चलिए तो क्या करते हैं, आयुपेशी नेम लिखते हैं। टू पे मिला क्या चीज, ऑल, तो टू लिखेंगे। ओके, और कौन सा पोजीशन, तीसरा, तीसरा पोजीशन पे। ओके, तो तीसरा पोजीशन लिखेंगे। टू थ्री क्या मिला, ऑल मिला, कितने मिले, वन टू, दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई, तो टू थ्री डाई ऑल, टू थ्री डाई ऑल। लॉन्ग चेन कितने कार्बन का है, पांच, पांच के लिए क्या होता है, पेंटेन। ओके, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, टू थ्री डाई, सॉरी, डाई पेंटेनॉल, व्हाट इज पेंटा नॉल, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, टू थ्री, हिंदी में क्या लिखेंगे, टू थ्री डाई पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो एल्डिहाइड और कीटेन से रिलेटेड जो यूपी के नेम होता है, यूपीएससी नेम होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।